क्या होता है उसका स्वाद तो मैं अभी रिसेंट 2-3 महीने में चखा है। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अपने चैनल में करती हूँ आपका स्वागत। मेरा चैनल है रितु फैमिली ब्लॉग और मेरा नाम है रितु। तो आज मैं आपको बताऊँगी उन लेडीज़ के बारे में जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी है। हेल्प इसका समझाती है कि हम, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही आसानी से हम सीख भी जाते हैं जहाँ भी अटकते हैं। ऐसे उन वो कुकिंग का चैनल है, उनके उनके दो चैनल है, एक है रक्षा की रसोई और एक है रक्षा की रसोई ब्लॉग्स। तो उनके दो चैनल हैं जिन दोनों चैनलों पे वो इतनी अच्छी तरीके से समझाती हैं, हमें इतना मोटिवेशन देती हैं बहुत अच्छी तरीके। ऐसा यूट्यूब पे कोई भी लेडीज़ नहीं है जो इतनी अच्छी तरीके से हमें समझाएं। और दूसरी बात कि अभी जो फ़िलहाल में दो मैम का इंटरव्यू आया था जिसमें रक्षा की रसोई मैम भी, रक्षा मैम भी थी, और उन्होंने इस तरीके से हमें इंटरव्यू देकर समझाया तो उससे भी बहुत ही मोटिवेशन मिला। तो चलिए बताती हूँ आपको कि उन्होंने हमें किस क्या होता है उसका स्वाद तो मैं अभी रिसेंट 2-3 महीने में चखा है और मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू लगभग 300-350 वीडियो अपलोड करने के बाद मेरा चैनल मोटाइज हुआ और लगभग 1 साल लग गए मुझे 1 के सब्सक्राइबर एंड 4 के वॉच टाइम कंप्लीट करने में। उसके बाद रिसेंट मेरा 2021 के अगस्त मंथ में मेरा चैनल मोटाइज हुआ है। तो ऐसा है जैसे मेरे जो व्यूवर्स हैं ये बहुत डीमोटिवेट होते हैं कि हम इतने वीडियोस डाल चुके हैं, 100 वीडियो, 200 वीडियो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। तो उनसे आप मतलब क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर के कि इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। जिस टाइम आप डीमोटिवेट हो रहे हो, क्या पता अगला पल अगला वीडियो, सिर्फ एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। आप डेली वीडियो बनाते जाते हो, नहीं पता कौन सी वीडियो वायरल हो जाए। 100 वीडियो बना दो, 200-500 वीडियो बना दो, नहीं पता, लेकिन कोई एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। मैंने 1.5 साल लगभग कंटिन्यू काम किया और अभी रिसेंट में इसी मार्च में मैंने फर्स्ट पेमेंट उठाई है और अभी 10-15 दिन पहले, क्या अभी 1 हफ्ता पहले मैंने 3rd पेमेंट उठाई है जिसकी वीडियो बनाई है। तो इतना ज़्यादा मतलब लगभग 550 वीडियो अपलोड करने के बाद मेरा चैनल लगता है कि नहीं हम वीडियो डालेंगे और हमारा वायरल हो जाएगा, तो उसमें टाइम ऐसा मतलब ये दिमाग में अगर आप ठान के आओगे कि बस मैं 100 वीडियो डाल दूँ वायरल हो जाऊँगा, 1000 वीडियो डाल दूँ वायरल हो जाऊँगा, क्योंकि यूट्यूब पे जितना ज़्यादा पेशेंस और आपका मेहनत काम करता है उससे ज़्यादा आपका लक काम करता है। आपका लक भी आपके साथ चलना चाहिए और लेकिन एक चीज़ साथ में आपकी मेहनत, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपका चैनल ग्रो नहीं होता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना हाई हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मेरी फर्स्ट वीडियो उठा के देख लो और अभी की वीडियो देख लो, जिस तरीके से मैं कैमरे को फेस कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है आप अपने यूट्यूब जर्नी में, जो कि ये पैसे से नहीं मिलता, ये आपके एक्सपीरियंस से और मेहनत से मिलता है। और जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं सिर्फ उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अगला पल कौन सा है जो आपको ग्रो कर सकता है ये कोई भी नहीं बता सकता, या मैं या मैम या कोई भी क्रिएटर्स यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि आपको बता सके। आप मेहनत कीजिए, 100 वीडियो बनाए हो तो क्या पता 101 वीडियो आपको वायरल करा दे, क्या पता 201 वीडियो वायरल करा दे, क्या पता आपको 1000 वीडियो बनाना पड़े तब आप वायरल हो, ये कोई यूट्यूब पे गारंटी नहीं। लेकिन डीमोटिवेट होकर दोनों मैम का इंटरव्यू देखकर कुछ समझ में आया और अभी आगे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। तो बस जहाँ भी हम अटकते हैं और इन दोनों मैम के इंटरव्यू भी देख लेते हैं और इन मैम की वीडियो भी देख लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाती हैं और समझ में आ भी जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि उसमें मुझे दिखाना है जो मैम मैंने रक्षा मैम से सीखा है वही मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जब